1893 में आज ही के दिन फ्रांस ने अपने एशियाई उपनिवेशों में विस्तार करते हुए लाओस क्षेत्र को भी अपने उपनिवेश में शामिल किया था। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित लाओस 52 सालों तक फ्रांस के अधिकार में रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में लाओस कुछ वक्त के लिए जापान के अधिकार में चला गया, लेकिन थोड़े ही समय बाद फ्रांस की सेना ने जापानियों को इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। 1949 में लाओस स्वाधीन देश के रूप में फ्रांस संघ में शामिल हो गया, लेकिन लाओस की जनता ने फ्रांस के खिलाफ विद्रोह किया। आखिरकार भारत और चीन के साथ युद्ध में हारने के बाद फ्रांस की सरकार लाओस को स्वतंत्र करने पर मजबूर हो गई और 1954 में लाओस एक स्वतंत्र देश बन गया। 1948 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध नाटककार और रंगमंच निर्देशक रतन थियम का जन्म हुआ था। रतन थियम पारंपरिक संस्कृत नाटकों को उनकी आधुनिक व्याख्या के साथ प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ कई नाटकों का निर्देशन भी किया। उनका रंगकर्म अद्भुत रंग संयोजन के कारण अनूठा कहा जाता है। उन्होंने अनेक भारतीय और विदेशी नाटकों का मंचन करने के साथ साथ भास के दो नाटकों कर्णभारम और उरुभंगम का मंचन किया है। रतन थियम को लेखन और मंचन में प्राचीन भारतीय थिएटर परंपरा के प्रयोग के लिए जाना जाता है। कर्णभारम, इम्फाल इम्फाल, चक्रव्यूह, ऋतु संहार और अंधा युग उनके प्रमुख नाटक रहे हैं। रंगमंच जगत में रतन थियम को उनके सराहनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और कालिदास सम्मान समेत कई सम्मानों से नवाजा गया है। 1961 में आज एक दिन जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। सबसे कम उम्र के जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका के इतिहास में तब तक के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति 70 साल के आइजनहावर से सत्ता संभाली थी। इस मौके पर उन्होंने विश्व में शांति कायम करने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ के साथ मिलकर काम करने की भी घोषणा की। करीब 10 मिनट के अपने भाषण को इन्होंने इन शब्दों के साथ खत्म किया कि ये मत पूछो कि देश ने आपके लिए क्या किया है, बल्कि ये पूछें कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान 1962 में अमेरिका और सोवियत संघ लगभग युद्ध के कगार पर आ गए थे, जिसे इतिहास में क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। लेकिन कैनेडी ने पहली बार परमाणु परीक्षण को बंद करने के लिए अगस्त 1963 में सोवियत संघ के साथ एक संधि करने की पहल की। 2002 में क्यूबा में अमेरिकी सैनिक अड्डे ग्वांतानामो बे की जेल में बंद कैदियों की तस्वीरें पहली बार सार्वजनिक हुई थीं और उनको लेकर काफी विवाद हुआ था। उस वक्त जेल में कुल 144 कैदी थे। मानवाधिकार के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था कि ग्वांतानामो बे जेलों में कैदियों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वे अमेरिकी पैमाने से काफी कम हैं और वहां लोगों के साथ गैर इंसानी बर्ताव हो रहा है। ब्रिटेन की एक मानवाधिकार संस्था ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन अमेरिका का कहना था कि सार्वजनिक हुई तस्वीरें सिर्फ यह दिखा रही हैं कि कैसे कैदियों को उन जेलों तक ले जाया गया था और आम दिनों में उन कैदियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं होता है। और 2005 में आज एक दिन बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बॉबी का निधन हुआ था। 70 के दशक में बड़े नायकों के साथ फिल्मों में अपनी ग्लैमरस भूमिका निभाने के लिए परवीन बॉबी को याद किया जाता है। 1972 में परवीन बॉबी ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्हें क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के साथ फिल्म करने का मौका मिला, लेकिन उनकी यह फिल्म फ्लॉप रही। 70 और 80 के दशक में दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथोनी और शान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से परवीन बॉबी ने लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई। परवीन ने अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। परवीन ने अपने फिल्मी करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।